जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अड़िग रहने वाली, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली माता आप उनके जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशी का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश की पूजा की जाती है। आइए आपको सुनाते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष सती के पिता ने यज्ञ के दौरान सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना इजाज़त के ही, बिना निमंत्रण के ही पहुँच गई और उन्होंने वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहार उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकीं और क्रोधित हो गईं। और इसी क्षोभ में, ग्लीन और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वस्त कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इन्हीं को हिमालय की पुत्री शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की ही पूजा की जाती है। तो दर्शकों, आगे के 9 दिनों की कहानियाँ आप जरूर सुनिएगा और नवरात्रि से जुड़े और भी कई उपाय हमने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, वो भी सुनिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िएगा ताकि वे भी इन कहानियों को सुन पाएँ और अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। कई उपाय भी हमने डाले हुए हैं, वो भी देखिएगा। जय माता दी।